मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी यहां पहुंचे थे, टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं आखिरकार पूरी प्रक्रिया क्या होती है। ये जो सेंटर है यहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले जो जिसका मैसेज पहुंचा है जिसको टीकाकरण का, उसको यहां पर उसकी लिस्टिंग के साथ साथ उसका नाम यहां मैच किया जाता है और उससे आईडी कार्ड यहां पर बाकायदा दिखाना पड़ता है। आईडी कार्ड देखने के बाद यहां उसकी पूरा वेरिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उनका वेरिफिकेशन होता है कि कौन व्यक्ति को वैक्सीनेशन होना है और ये पूरी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। इसके बाद अगला जो राउंड होता है, सामने मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो इसके बाद जो जिसको वैक्सीन लगनी है लगाई जानी है वो यहां पर पहुंचते सबसे पहले उनको यहां पर पहुंचाया जाता है और ये वेटिंग रूम के साथ साथ यहां ये पूरी व्यवस्था की है। दो यहां पर रूम देख सकते हैं तस्वीरों में जहां वैक्सीनेशन सेंटर है, इसमें दो रूम है। यहां एक ये रूम है जहां वैक्सीन लगाई जा रही है और दूसरा रूम ये है, देखा जा सकता है, ये भी वैक्सीनेशन रूम है। यहां पर दो रूम यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। साथ में जो वैक्सीन लगाने जा रहे हैं पहुंच रहे हैं उनको देख सकते हैं तस्वीरों में, जिनको वैक्सीन लगनी है उनके हाथ में ये पूरा एक नंबर होता है, ये नंबर दिया जाता है साथ में और उस नंबर के आधार पर बारी बारी से ये वैक्सीन यहाँ पर उनको यहाँ पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसके बाद वैक्सीन जब लगाई जाती है उसके बाद इस तरह के जो वेटिंग रूम बनाए गए हैं यहाँ पर उनको रखा जाता है जिनको वैक्सीन लगा दी गई है। आधे घंटे तक उनको इस वैक्सीन लगने के बाद यहाँ वेटिंग रूम में रुकना पड़ता है और इसके बाद ऑब्जर्वेशन इसे कहा जा सकता है रूम है यहाँ पर, फिर उनको बाद ये पूरी प्रक्रिया होती है और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं उनको भी यहाँ पर बात करेंगे कि जिन लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगा दी गई है उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि 100 लोगों का एक सेंटर पर वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीन आपको लग चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक देश के उनके अथक प्रयासों से जो ये वैक्सीन तैयार हुई है उसको हमें लगाने के लिए पहले दिन मौका मिला है, इस बात का हमें गर्व है और खुशी है। अच्छा, आप भी, आप चूँकि हेल्थ वर्कर हैं, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लोकेंद्र दवे, यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन में गांधी मेडिकल कॉलेज में। आपको डर तो नहीं लगा कि अगर, क्योंकि हालांकि आप लोग तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आप लोगों ने लगातार कोरोना टाइम काम किया है, आपको डर तो नहीं लगा कि वैक्सीन नहीं है इसे कैसे लगाएं, कुछ मन में ख्याल तो नहीं? देखिए, जब वैक्सीन अगर समाज में उपयोग के लिए उतारी गई है तो उसके पीछे बहुत तरह से उसको जो है जांचा परखा गया है। हमें भरोसा होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पर कि उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के हमारे देश के आम नागरिकों के लिए इस वैक्सीन को ओपन किया है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, जो अवेलेबल लिटरेचर है वो बिल्कुल बताता है कि वैक्सीन को लगाना चाहिए सभी लोगों को बिना डर के। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई। सर, आपने वैक्सीन लगवाई, क्या नाम है आपको, किस डिपार्टमेंट में? मैं डॉक्टर डी के पाल हूँ, मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में। और हम लोग बेसिकली बच्चों को यही बताते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कि वैक्सीनेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट मैनी ऑफ द डिजीजेस। और अब ये कोविड की वैक्सीन आई है, एक ऐसी बीमारी जिससे कि हम लोग पूरा 2020 का वर्ष जो है इससे जूझते हुए बीता है और हमारे वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से ये वैक्सीन आ गई है। और इस वैक्सीन के जो अभी इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी प्रभावी वैक्सीन है और इसको अभी जब मैंने लगवाया है तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मेरे को कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लग रहे हैं। और मैं लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इसको जब भी उनका अवसर आए तो इसको अवश्य लगवाएं बिना किसी भय के। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, सुना भी होगा आपने, कि वैक्सीन के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, वैक्सीन में तरह तरह की वैक्सीन को लेकर सवाल किए जा रहे थे। फिर आपको नहीं लगा कि दिमाग में कि इस तरह से लोग बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन खास तौर पर नहीं लगा कि ऐसी वैक्सीन लगवाना चाहिए? नहीं, हमने इसका लिटरेचर पढ़ा है, जो इसका डाटा आया है, जो इसके इंफॉर्मेशन आई है, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं थी कि इसको इससे कोई भयभीत होने की कोई आवश्यकता थी। किसी हर वैक्सीन में कोई ना कोई छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें भी हो सकते हैं। लोकल पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, हल्का सा बुखार आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये वैक्सीन जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधी शक्ति क्षमता को बढ़ाने का ही काम करेगी और उससे हमारे शरीर में इस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा होगी, तो ये निश्चित रूप से लगवाना चाहिए। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ वैक्सीन लगाने पहुँचे थे पहले दिन। आप, क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट में? मैं डॉक्टर यूएम शर्मा, मैं ब्लड बैंक ऑफिसर हूँ जीएमसी का। डर नहीं लगा आपको वैक्सीन लगवाने से पहले? क्यों डर लगेगा भाई, अभी आधा घंटा होने वाला है,
कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट तो आधे घंटे में तो आना नहीं है, आते भी हैं तो कहा जाता है कि काफ़ी लंबा वक्त निकलने का। ये जो सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं वो आधे घंटे में आ जाते हैं, और बाकी आई एम फीलिंग वेरी गुड। और मेरे हिसाब से सबको लगाना चाहिए, बिकॉज अभी कोई इलाज तो निकला नहीं है कोविड का, यही एकमात्र प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हर आपके घर में किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई अभी आप क्यों वैक्सीन लगवा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए क्योंकि आज के पहले दिन की शुरुआत है, आप क्यों लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहले दिन लगवाना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि वैक्सीन लगना ऐसे शुरू हुई है, पहला टीका आप लगवाएंगे तो लगता है ना कि थोड़ा रुक जाते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अच्छा महसूस कर रहे हैं? सब बढ़िया। तो ये जो वैक्सीन जिन्होंने लगवाई, यहाँ पर पहला दिन था और यहाँ पर टीका लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, हालांकि जितने भी जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है। इस तरह के मध्य प्रदेश में आज पूरा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। 302 जो सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। 1143 जो वैक्सीनेशन सेंटर उन पर ये टीकाकरण की शुरुआत यहाँ पर हुई है। और इस तरह के आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश में पहली खेप है उसमें 5,06,000 डोज आए हैं, और ये मध्य प्रदेश के ये चार जो सप्ताह का ये पूरा चरण होगा जिसमें 13 फरवरी तक ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के 4,16,000 हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास, विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।